Hey everyone, welcome to my channel. So this is Avipsa. तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा हेयर रेमेडी जो आपके हेयर को एकदम लॉन्ग, शाइनिंग एंड घने बनाए. तो ये जो पेस्ट है ये एकदम नेचुरल इन्ग्रीडियंट से ही बनी हुई है. जैसे कि आप एक बाउल में थोड़ी सी रिठा ले, थोड़ी सी सिकाकाई ले, उसकी ऑलरेडी मैंने उसकी सीड्स बाहर निकाली हूँ. तो आप इसको नॉर्मल वाटर से इसको वाश कर लेनी है. उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर डाल के ओवरनाइट उसको भिगा के रख लेनी है. तो इसको ओवरनाइट रखने के बाद इसके कलर कुछ इस तरह का आ गया है, जैसे देख रहे हैं कि ब्राउन कलर हो गई है. तो इसके वाटर का मैं एक बाउल में सेपरेट कर दूंगी. आप जब इसको हेयर वॉश करेंगे इस वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं आज शाम को. तो एक ब्लेंडर में मुझे रीठा और सिकाकाई को लेनी है. उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या की हूँ कि प्लांट बेस्ड एलोवेरा है जो हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छी है. मैंने उसकी 3 स्टिक्स ली हूँ और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड आउट करके इसकी जूस निकाल दी हूँ. तो इसमें मैं ये ऐड कर लूँगी ताकि हेयर और भी शाइनिंग लगे और हेयर और भी लॉन्ग रहे. तो आप देख सकते हैं ब्लेंड करने के बाद इसकी कुछ इस तरह का नेचुरल पेस्ट बन के रेडी हो गई है. एकदम थीक पेस्ट है. तो उसकी पेस्ट में थोड़ी सी मैंने आंवला पाउडर, थोड़ी सी हिबिस्कस की पाउडर, थोड़ी सी वेवजिला का कॉफ़ी पाउडर और उसके बाद हेयर में थोड़ी सी लेमन ऐड की हूँ. लेमन ऐड करने से क्या होता है कि हमारे हेयर में कुछ डैंड्रफ भी जो होती है वो रिमूव हो जाती है. तो मैं इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूँ और उसमें जो थोड़ी सी बची हुई वाटर थी वो ऐड करके अच्छी तरह से इसकी एक थिक पेस्ट बनानी है. तो आप देख सकते हैं फाइनली पेस्ट बन के रेडी हो गई है और बहुत ही अच्छी लग रही है ये पेस्ट. ये एकदम नेचुरल है. तो आप जो ये पेस्ट यूज कैसे करेंगे मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी. तो आप इसको हफ्ते में एक बार ज़रूर यूज़ करें. तो ये रूट से लेकर अपनी हेयर की लेंथ जितनी भी है सारे हेयर पे ओवरऑल इसको लगाकर आपको मिनिमम 2 आवर्स लगा के छोड़ देनी है. उसके बाद आपके कोई भी हर्बल शैम्पू हो या फिर आप कोई भी शैम्पू यूज़ करती हैं आप हेयर को अच्छी तरह से वॉश कर लें. तो हमने ये जो पेस्ट में रीठा और सिकाकाई यूज़ की है, ये जो रीठा और सिकाकाई है ये बहुत ही अमेजिंग है हमारी हेयर के लिए. जिसकी जिसकी हेयर ब्रेकेज हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, ये बहुत ही अच्छी है उसके लिए और हेयर को अंदर से लॉन्ग और घने बनाने में हेल्प करती है. और आपने जो यहाँ पे यूज़ की थी कॉफ़ी, ये हेयर को और भी शाइनिंग बनाती है. और लेमन तो डेफिनेटली डैंड्रफ रिमूव करने में हेल्प करती है. तो आपको फाइनली लगा कर ऐसे ही मैंने कुछ वॉन बनाकर रख चुकी हूँ. और तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली मैं अपनी हेयर वॉश करके अपनी हेयर को अच्छी तरह से सुखा ली हूँ. हेयर वॉश करने के बाद हेयर का कलर कुछ इस तरह का आ रही है, मतलब एकदम शाइन सा लुक देखने को आपको मिलेगी. और आप इस पीक में देख सकते हैं मेरे हेयर कितनी ही लॉन्ग है. पहली तो बहुत ही छोटी थी मेरी हेयर, लेकिन अभी 1-2 साल हो गया बहुत ही लॉन्ग है. तो इसकी अगर सीक्रेट की बात बोलूँ तो ये हेयर मास्क है डेफिनेटली. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग.